नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। वीडियो में हम नहीं बने रहे थे क्योंकि मेरा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम चल रहा था और उसकी तैयारी में हम थोड़ा बिजी थे। और इसका एग्ज़ाम जो है 3 तारीख को न्यू दिल्ली में हो गया है। अभी उसका रिजल्ट में डिले है, तो फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पे अब वीडियो को रेगुलर पोस्ट करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं OHE के सेक्शन के बारे में। OHE में सेक्टर, सब सेक्टर और एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, एक बड़े सेक्टर और सबसे छोटे सेक्टर कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि OHE में एक TSS और जनरली 2 TSS के बीच में मिड सेक्शन में जो है SP बनाया जाता है, और SP को 2 फीडिंग जोन जो होता है, एडजेसेंट फीडिंग जोन, वो अलग करने के लिए SP लगाया जाता है। और SP के सामने ही, जस्ट SP के सामने ही न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। स्विचिंग स्टेशन हमारा SP और SSP भी होते हैं। एक TSS और एक SP के बीच में जनरली 2 SSP लगाए जाते हैं। वो डिस्टेंस और लोड के अनुसार डिपेंड करता है। कहीं पर ए सिंगल SSP भी लगा सकते हैं, और अगर लोड ज़्यादा है, डबल लाइन सेक्शन है, तो 2 SP लगे होते हैं। हमारे जो TSS होते हैं जनरली 25 के बी में 35 से 40 किलोमीटर के अंतराल पर एक TSS होते हैं, और 2x25 के बी में, यानी कि जो जो DFCCIL में है, वो उसमें जो है 70 से 80 किलोमीटर के डिफरेंस पे 2 TSS होते हैं। 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक जाते हैं। तो TSS और SP के बीच की दूरी को ही हम लोग सेक्टर कहते हैं, यानी TSS to SP के बीच की दूरी को सेक्टर कहते हैं। TSS से SSP के बीच, जो TSS और SP के बीच में 2 SSP लगे होते हैं, तो TSS और SP के बीच की दूरी को हम लोग सब सेक्टर बोलते हैं, और SSP to SSP के बीच की दूरी को फिर सब सेक्टर बोलेंगे, और SSP to SSP के बीच की दूरी को भी सब सेक्टर बोलते हैं। और जो हमारे यार्ड एरिया में मेंटेनेंस के लिए बनाए जाते हैं, वो एलिमेंट्री सेक्शन होते हैं, और OHE का सबसे छोटा सेक्शन जो होता है एलिमेंट्री सेक्शन होता है। एलिमेंट्री सेक्शन को डेड करने के लिए मैनुअली आइसोलेटर लगे होते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो आइसोलेटर लगे हैं, वो है, ये ऑफ लोड स्विच बोलते हैं। आइसोलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ लोड स्विच बोलते हैं। ये जनरली डेड होने पे ही OHE जब कंफर्म हो जाता है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा कि OHE डेड हो गई है, तो उसी के बाद आइसोलेटर को खोल दिया जाता है और सेक्शन का मेंटेनेंस किया जाता है। और छोटे सेक्टर, अब TSS और SP के बीच में SSP लगाने का क्या रीज़न हुआ? तो TSS और SP के बीच में SSP लगाने का बेसिक रीज़न यही है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही SSP को लगाया जाता है, और SSP में इंटरप्टर लगे होते हैं। SSP में इंटरप्टर को ओपन करके ही ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर द्वारा रिमोटली ओपन कर दिया जाता है, और सेक्शन का मेंटेनेंस किया जाता है। एक बड़े लंबे सेक्शन को आप डेड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए छोटे छोटे 2 SSP लगाए जाते हैं TSS और SP के बीच में। और इंटरप्टर जो है, वो इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर में जो बेसिक डिफरेंस है कि इंटरप्टर जो है फॉल्ट के टाइम पे ओपन नहीं होता है, जबकि सर्किट ब्रेकर जो होता है फॉल्ट के टाइम में ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। तो सर्किट ब्रेकर की ये खासियत है, जबकि इंटरप्टर की ये खासियत नहीं है। और अगर डबल लाइन सेक्शन है तो SSP पे एक पैरेललिंग इंटरप्टर और 2 सेक्शनिंग इंटरप्टर लगे होते हैं, सॉरी 2 पैरेललिंग इंटरप्टर और 2 सेक्शनिंग इंटरप्टर लगे होते हैं। सेक्शनिंग इंटरप्टर इस
सप्लाई को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, और पैरेललिंग इंटरप्टर डबल लाइन सेक्शन है उसके लिए लगाए जाते हैं, और एसपी पे दो पैरेललिंग इंटरप्टर और दो ब्रिजिंग इंटरप्टर लगे होते हैं। दो ब्रिजिंग इंटरप्टर इसलिए लगे होते हैं क्योंकि ये डबल लाइन सेक्शन है, और ब्रिजिंग इंटरप्टर जो होता है वो जब एक TSS डेड होते हैं तो सेकेंड TSS तक सप्लाई एक्सटेंड करने के लिए ब्रिजिंग इंटरप्टर लगाया जाता है। ब्रिजिंग इंटरप्टर जो होता है नॉर्मली ओपन कंडीशन में होता है, और सेक्शनिंग और पैरेललिंग इंटरप्टर जो होता है वो जनरली क्लोज कंडीशन में होता है। हमारे TSS में भी एक साइड में दो फीडर सर्किट ब्रेकर और एक साइड में दो फीडर सर्किट ब्रेकर, यानी चार फीडर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, दो ब्रिजिंग इंटरप्टर लगे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि TSS पे भी हम लोग डेड जोन बनाते हैं जिसको हम न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं बोलते हैं। TSS पे न्यूट्रल सेक्शन बनाने का रीज़न यही है कि अगर TSS के किसी एक साइड में फॉल्ट होता है तो पूरा लंबा सेक्शन जो है डेड ना हो, फॉल्ट को लोकेट करना मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे भी हम लोग TSS पे भी हम लोग क्या करते हैं, डेड जोन बनाते हैं। ये हो गया आपका OHE का पूरा सिस्टम, जिसमें आप TSS, SP, SSP के बारे में हमने बताएं, SP और SSP और एलिमेंट्री सेक्शन। अभी हम आपका को दिखाने वाले हैं कि ये हमारे सामने जो है एक डेड जोन आपको दिख रहा है जो कि इंटरप्टर है, और इंटरप्टर को डेड जोन बनाने के लिए दो कटिंग इंसुलेटर जिसको कि नाइंटन इंसुलेटर हम लोग बोलते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस पॉइंट के पास डेड जोन बनाए गए हैं, यहाँ पे दो कटिंग इंसुलेटर है और जस्ट इसके सामने दो कटिंग इंसुलेटर, कटिंग इंसुलेटर नाइंटन इंसुलेटर को ही बोलते हैं, ये लगाए जाते हैं कॉन्टेक्ट में भी और कैटनरी में भी, और जंपरिंग के माध्यम से दोनों एंड को जोड़ दिया गया है और दोनों के बीच में कंटिन्यूटी की। अभी आप यहां देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट में और कैटनरी में दोनों में कॉन्टेक्ट एंड क्लैंप और कैटनरी एंड क्लैंप लगा के 9-10 इंसुलेटर के जरिए दोनों उस सेक्शन को काट दिया गया है, और ये एक डेड जोन है और एक आइसोलेटर यहाँ लगाया गया है। और आप देख सकते हैं ये 2x25 के भी सिस्टम है, तो इसमें फीडर को भी क्या किया है, डेड किया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैन्युअली हैंड ऑपरेटेड जो हमारा आइसोलेटर है डबल पोल आइसोलेटर है, और ये इसको जो है अर्थ किया गया है अर्थिंग पीट के द्वारा, और मेन लाइन के जो अर्थिंग होते हैं उसका जो आइसोलेटर होते हैं उसका नाम जो होता है SM होता है, आइसोलेटर फॉर मेन लाइन, और SS होंगे तो आइसोलेटर फॉर सेकेंडरी लाइन होंगे। तो बेसिक डिफरेंस यही है, बेसिक सब क्या है, तो धन्यवाद दोस्तों।